हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। धीरे धीरे चांद आसमान के ऊपर आ चुका, सबको देखते हुए नीचे जमी पर मुस्कुरा उठा। इतने में मैं भी छत पर आ गई, चांद को देखी, चांद भी मुझे देखने लगा। मैंने चांद से पूछा, ए चांद, आज इतना मुस्कुरा रहे हो और इतनी खूबसूरत बनकर आसमान पर टहल रहे हो, राज क्या है? चांद ने भी मुस्कुराकर मुझे जवाब दिया, री पगली, तुझे पता नहीं और 2 दिन बाद रक्षाबंधन है। मैंने कहा, मेरा कोई अपना होता तभी तो मुझे पता होता। चांद ने कहा, पगली उदास क्यों होती है, मैं हूँ ना। मैंने कहा, ये चांद, आप इतने दूर हो, सबके मामा कहलाते हो, जब भी आसमान के ऊपर आते हो धरती पर देखते हो, अपनी चांदी जैसी रंग प्रकृति पर फैला देते हो, चमक जाती है सब पर, मुझे न जाने क्यों अधूरा अधूरा सा लगता है। चांद भी कहता है, मुझे तुम दूर देखती हो पगली, पर मैं तुम्हारे करीब हूँ। तुम्हें देखने के लिए ही तो मैं इतना ऊपर आ चुका हूँ। मैंने भी कहा, अच्छा हाँ। मैंने कहा, मुझे पता है, मैं बचपन से आज तक आपको देखते हुए ही इतनी बड़ी हो चुकी हूँ। आप ही तो हो मेरे साथ, बाकी तो सब बनावटी रिश्ता है, जो मुंह में हंसी रखते हैं, पेट में न जाने, दिल में न जाने क्यों बैर रखते हैं। पर चांद, आप तो सबका दर्द लेते हो, लोग कहते आप में दाग है, यह दाग किसने दिया है? यह तो सभी ने मिलकर आपको दाग दिया है ना। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना और चांद को गौर से आप भी देखना प्लीज। चांद में अनेकों दर्द है, पर चांद किसी को बयां नहीं करता, सबका दर्द खुद पर ले लेता है और मुस्कुराते हुए हम सभी को देखता है, प्रकृति पर अपनी प्रकाश फैलाता है, सागर में अपनी किरणें फैला देता है और तरंगे उठती है सागर में। माना कि चांद दूर है, पर फिर भी करीब है हम लोगों का। ये कहते हुए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं।